हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिता। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के रायते। तो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग ये बनाते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल क्विक इजी रेसिपी है। तो बस इस लौकी को मैंने पील करके उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है और इसको कुकर में पहले हम बॉईल करेंगे। तो कुकर में मैंने डाल दिया है, 1 कप पानी डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट और 1/2 स्पून हल्दी। बस इसमें अभी और कुछ बॉईल करने वक्त नहीं डालेंगे और 3 से 4 विसल आने तक इसे बॉईल कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं आगे का प्रोसेस बता। लौकी को मैंने बॉईल कर लिया 3 विसल आने तक और इसको पानी इसका स्ट्रेन करके निकाल दिया। और इसके बाद इसको स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर देंगे दबा दबा कर। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है हमारी लौकी और हल्दी की वजह से कलर कितना सुंदर आ गया है इसमें। और इसको प्रेस करने के बाद इसमें हम डालेंगे रायते का मेन चीज़, दही। दही को आप लेकर एक बॉल में और इसको अच्छे से बीट कर लें स्पून से और फिर इसमें डालकर आप देखते जाएं और मिलाते जाएं। जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे, बहुत पतला भी नहीं करना है रायते को, ये थोड़ी थिक रहती है। और इधर हम मसाले में डालेंगे दही के साथ ये सारे जो रायते के मसाले होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, भुना जीरा पाउडर। ये घर का भुना जीरा पाउडर ही आप लेना, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा वाइट वाला सॉल्ट और ये अदरक और हरी मिर्च, इसको आप कूट के लीजिए या तो फिर मिक्सी में दरदरा पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये रायते में ये सब तो जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, काला नमक सभी डालते हैं, पर ये मिर्ची और अदरक का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। और इसके बाद इसका मेन चीज़ जो रायते का है, जो इसे डिफरेंट बनाता है सभी रायते से, वो है ये राई। जो आप छौंक वाले लेते हो ना, ब्लैक वाले, ये राई को आप दरदरा पीस लें। पेस्ट नहीं बनाना है, पानी नहीं डालना है, बस ड्राई ही पीस लेना है। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है जो इस रायते को थोड़ा डिफरेंट बनाता है और बहुत डिलीशियस। और अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ज़्यादा पसंद ना हो तो आप येलो वाले सरसों को भी इस तरह से पाउडर बनाकर पीस कर रख लें और ये भी आप डाल सकते हो। 2 से 3 स्पून दोनों सरसों में से कोई भी चलेगा आप। तो मैं अभी ये ब्लैक वाला राई का पाउडर डाल रही हूँ 2 स्पून। आप इसे मिक्स करके एक बार टेस्ट कर लें, कुछ भी चीज़ इसमें कम ज़्यादा मिर्ची नमक और सरसों का लगे कम तो आप इसमें और ऐड कर सकते हो। और बस ये इतना ईजी है, इसमें कुछ भी अप नहीं करना, रायता हमारा रेडी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है दही और पड़ेगा, थोड़ा सा बिल्कुल, और बस। और ये हमारे तरफ गांव में तो बहुत ही फेमस है, बिहार में बिना इस लौकी के रायते का भोज नहीं होता। पार्टी को वहाँ भोज बोलते हैं गांव में, तो जैसे चटनी एकदम होना ही होता है प्लेट में, वैसे ये रायते भी वहाँ रत्तू बोलते हैं इसको, तो बहुत ही फेमस है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, खाने में भी बहुत टेस्टी। आप रोटी, पराठे, पूड़ी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और ये किसी सब्जी से कम नहीं लगती। आपके यहाँ अगर सडनली गेस्ट आ जाए तो एक सब्जी बनी हुई है, एक ये बना दें तो बस हो जाता है काम। बहुत ही टेस्टी, आप एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करें। और ये चटपटी रायता रेडी है सर्व करने को। और इसमें ना 1 स्पून सरसों का ऑयल ज़रूर डालें, इससे टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ ही क्या होता है ये प्रिजर्व होते हैं ज़्यादा दिनों के लिए। जैसे आप 2-3 दिन तक तो ऐसे भी खा सकते हो, पर अगर सरसों का ऑयल डालकर आप फ्रिज में स्टोर करते हो तो आराम से 1 वीक से ज़्यादा आप इसे खा सकते हो, ये ख़राब नहीं होते। और ये देख रहे हैं कि, और मैंने टेस्ट करके भी देखा, बिल्कुल चटपटा बना है, बहुत ही टेस्टी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।